इनकैपेबल ऑफ बीइंग थ्रू being seen through FWU यानी एक ऐसी चीज जो आपको पसंद ही नहीं है। अगर एक बंदा जनाब वाला करप्ट आदमी है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या और जनाब आप उसके पास कभी भी नहीं जाएंगे, आपको पता है जनाब ये पैसों के बगैर या मतलब है किसी चीज की इज्जत ही नहीं करते, तो आप उसके पास कभी भी नहीं जाएंगे। सर मुबहम का मतलब ये नहीं होता जो गैर वाज होता है, गैर शफाफ, यानी हर चीज के अंदर मतलब गैर शफाफ क्या होगा, शफाफियत क्या होगी, जो बंदा करप्शन नहीं करेगा शफाफियत देंगे, और जो गैर शफाफ होगा ये मीन तो वहां पे करप्शन हो रही है, कोई भी चीज गलत हो रही है, आप उस चीज को डिसलाइक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन है एफिमिनेट effeminate. अच्छा इसका मतलब होता है जनाब कमजोर आदमी या जनाब जनाना या औरतू जैसा, यानी हो इंसान मर्द लेकिन दिखाई दे के जैसे औरतें। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं एफ मिनट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे जनाब more like a woman than a man. नंबर नेक्स्ट साइमल्टेनियस SIMULTANEOUS साइमल्टेनियस का मतलब होता है जनाब बैक वक्त या एक ही वक्त ठीक है। इसका आप क्या लिखेंगे happening at the same time. अच्छा जी नेक्स्ट happening at the same time नेक्स्ट लिखेंगे जनाब यूनानिमियस UNANIMOUS यूनानिमियस का मतलब होता है जनाब मुत्तफिका तीन जजों का फैसला है कि उसने जनाब नवाज शरीफ को नया एहतराम दे दिया। ठीक है, यानी तीन बंदों का जिन तीन जजों की इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी, तो तीनों ने जो एक ही फैसला दे दिया था तीनों ने, तो इसको हम कहेंगे यूनानिमियस। अगर उसके अंदर इख्तलाफ होगा तो फिर हम एक बंदा मतलब दो का एक जैसा है लेकिन एक का जनाब वाला रहता है तो फिर हम इसको यूनानिमियस नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी इसके लिए हम क्या करेंगे ऑल ऑफ वन माइंड नेक्स्ट ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जनाब हर तरफ। ठीक है, हर तरफ का मतलब ये होता है कि जनाब वो अक्सर आपने फिल्मों में देखो ना शाहरुख खान कहता है मैं जिधर भी जाता हूँ आपकी शक्ल नजर आती है हर तरफ, रात को उठता हूँ तो आपकी शक्ल नजर आती है, सोता हूँ तो शक्ल वही आपकी नजर आती है, यानी हर तरफ जनाब वही वाली
उसका नाम क्या होता है पता है लड़की हीरोइन का, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अभी मतलब आप लोगों के साथ ही यही सूरत हाल है क्योंकि आप जिधर भी जाते हैं आपको बीच कैसी नजर आती है। अच्छा जी इसके बाद देखेंगे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जनाब ला महदूद कुवत का मालिक। लामहदूद कुवत का मालिक भी आप कह सकते हैं इसको, और आप कह सकते हैं कि पावरफुल भी कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ओमनीपोटेंट। ठीक हो गया, इसके लिए आप लिखेंगे वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल, एक वो जिसके पास हर किस्म की ताकत मौजूद होती है। अच्छा जी नेक्स्ट ओमनीप्रेजेंट के बाद देखेंगे ओमनी साइंट। साइंट ओमनीशियंट। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर, ये जो पेयर ऑफ वर्ड आपको आ रहे हैं ये सर इसी तरह सेम यही वर्ड पेपर्स में आएंगे पीपीएससी के अगर आए हैं या कोई डिफरेंट? ये वन वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अभी पेयर वर्ड हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, आप मैं आप बात बताऊँ ना, वहां पे एक फिकरा दिया होगा। ठीक है, वो आपको फॉर एग्जाम्पल वो ऊपर लिखेगा वन वर्ड से मतलब उपैक लिख देगा ऊपर, नीचे वो आपको ना मतलब ऑप्शन देगा। अगर आपको इसका मीनिंग आता होगा तो आप वहां चेक कर लेंगे भाई इसका मतलब क्या है। इनकैपेबल, एक वो बंदा जो किसी चीज के काबिल ही नहीं होता, गैर शफाफ, तो फिर आप उसको आराम से चेक कर लेंगे। ठीक, ये हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा जी ओमनीशियंट का मतलब होता है जनाब के सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, यानी एक वो बंदा जिसके पास तमाम किस्म का नॉलेज होता है। वन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। वन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, एक वो बंदा जिसके पास हर किस्म का नॉलेज होता है उसको हम क्या कहते हैं ओमनीशियंट कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे जनाब ओमनीवोरियस। वी ओ आर ओ यू एस, ओमनीवोरियस का मतलब होता है जनाब सब्जी खोर। सब्जी खोर या मतलब है जो मतलब पत्ते वगैरह खाते हैं लोग, उनको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन हु एवरीथिंग, वन हु सर ओमनीवोर्स जो गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है। तो ये मैं आप अभी आपको लिख रहा हूँ, बताता हूँ अभी आप। ठीक है, वन हु Who eats everything, I N D I S C R I C R I M I N A T E L Y indiscriminately। वो एक वो, ठीक है, जो किसी चीज को भी ना छोड़े, एक वो जो यानी हर चीज को खा जाए। एक्चुअली ये सब्जी खोर नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था ये लास्ट वाला नजर नहीं आ रहा। हाँ जी आप सही है, आप सही है, चेक कर ले। अच्छा जी ओमनीवोरियस का मतलब होता है कि वो मतलब है कि जैसे इंसान है ना, इंसान जनाब वाला आपको पता सब्जियां भी खाता है गोश्त भी खाता है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि एक वो जो जनाब किसी की चीज को भी ना छोड़े, मतलब है कि हर चीज को खा जाए।
अच्छा जी, इसके बाद आखिरी लिखेंगे आप बाइपेड, BIPED, बाइपेड। बाइपेड का मतलब होता है दो पैरों वाला जानवर, दो पैरों वाला। हाँ जी, इसका आप क्या लिखेंगे, एनिमल हैविंग टू फीट, एनिमल हैविंग टू फीट। हाँ जी, ऐसे एनिमल कौन से हो सकते हैं, ऐसे एनिमल कौन से हो सकते हैं जिसके मतलब दो वो होते हैं जनाब, क्या कहते हैं, पांव होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं ना कि ये जो हमारे पास मतलब है कि जो परिंदे होते हैं ये भी एनिमल के इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बताऊं जैसे मतलब है कि जो नहीं थी बत्तख, बत्तख हो गया, इसी तरह मतलब है कि इसके अलावा जनाब वाला तोते हो गए, कबूतर हो गए, इन ये सारे मतलब है उसी कंडीशन में आते हैं। अच्छा जनाब, ये हमारी आज की वोकैबुलरी थी, मैं थोड़ा सा एक बात दोहरा देता हूँ, क्या एक मिनट मुझे ग्रुप में मैसेज करने दें। अच्छा जी, ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ, मुबिन, इनकैपेबल बीइंग सीन थ्रू, एक वो चीज जो आपको। जी जी, वालेकुम अस्सलाम सर, आज कंप्यूटर करवाएंगे? जी जी, कंप्यूटर करवाऊंगा, आप ये अपना इसको पता हो जाए। दूसरे नंबर पे एफेमिनेट, कमजोर आदमी, जनाना आदमी या औरत जैसा, यानी वो आदमी जो मतलब है कि आपको शक्ल से जो है मतलब शक्ल से तो वो आपको जनाब वाला लगता है कि मर्द है, लेकिन उसकी जो आदतें होती है ना वो औरतों जैसा, औरतों वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त में, बैक वक्त, मतलब दो काम इकट्ठे होते हैं। अली और इमरान की इकट्ठी शादी एक ही वक्त। अच्छा जी, इसके बाद देखेंगे जनाब यूनानिमस, मुतफिका तौर पर, चार बंदों ने जनाब को डिसीजन करना था तो चारों ने एक ही डिसीजन किया, ठीक है। तीन जजों ने जनाब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो तीनों का मुतफिका फैसला है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनानिमस, यानी ऑल ऑफ वन माइंड, हर एक बंदे का अपना एक ही माइंड है। अच्छा जी, ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर तरफ, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो जनाब आपको जिधर भी जाए वही आपको नजर आए। अच्छा जी, ओमनी पोटेंट, लाभ महदूद कुवत का मालिक, यानी जो पावरफुल होते हैं। ओमनी ओमनीशियंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जिसके पास हर चीज का नॉलेज हो। अच्छा जी, ओमनी वॉरियस का मतलब हर चीज को खा जाने वाला, यानी सब्जी को भी गोश्त को भी, लाइक दैट इंसान जो है। बाइपेड का मतलब दो पैरों वाला जानवर, एनिमल हैविंग टू फीट। अच्छा जनाब, इसके बाद हम लिखेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स। हाँ जी, पेयर ऑफ वर्ड हमने कल कितने लिख लिए थे, पांच सर। चलें जी, आगे लिखें। ACCEP, एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन का मतलब होगा जनाब के किसी चीज या लफ्ज के मतलब को कबूल करना, किसी चीज या लफ्ज के मतलब को कबूल करना, ठीक है। मतलब यह है कि जनाब कि दिस इज जनरल एक्सेप्टेशन ऑफ माई वर्ड इंटरेस्ट, यानी कि ये मेरे जनाब जो मैंने अल्फाज कहे हैं अवाम को, अवाम ने मेरे अल्फाजों को एक्सेप्ट किया। इसके बाद है एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस। हाँ जी, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कबूल करना, कबूल करना, यानी कि आई हैव रिसीव द एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ एम्प्लॉयर। तो मतलब यह है कि जनाब मैंने जो मेरा एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का जो लेटर था वो मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस मतलब कोई किसी बंदे ने आपको ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस। इसके बाद नेक्स्ट सर जी, ये जो एक्सेप्टेंस है ये एक्सेप्ट का भी तो कबूल करना ही होता है।
नहीं नहीं मतलब यह है कि आपको कोई किसी ने कोई बात की है, आपने कहा जनाब ये जो इमरान खान ने ये स्टेप लिया है ये जनाब स्टेप गलत लिया है, वो कहते नहीं जी इमरान खान के बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं कही, ठीक है हमारी बात की, यानी इमरान खान का वो बहुत ज्यादा ज्याला है, लेकिन आप उसको फिर भी कैल कर लेते हो, वो आपके अल्फाज कबूल कर ले, वो कहते वाकई आप ठीक कह रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सेप्टेंस क्या मतलब है, आपको किसी ने कहा कि जनाब आपने नौकरी करनी है, यस मैंने करनी है, आई जो एक्सेप्ट, समझ आ गई बात की जी सर। नेक्स्ट जनाब एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है जनाब, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच करना, वे टू प्लेस यानी रब्ता पहुंच, रब्ता पहुंच। हाँ जी बता सकते हैं कि जनाब आप मुझे ये बताएं आपकी सीएम पंजाब तक पहुंचा है, नहीं है, लेकिन किसी वजीर की जरूर होगी आराम से, तो जब चाहे जाके मिल ले। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है जनाब, एक्सेस का मतलब होता है यानी ज्यादा, इजाफा, एडिशनल, एक्स्ट्रा, ठीक है, ज्यादा या इजाफी, ओके। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास एक्सेस के बाद इसी के अंदर लिखेंगे एक्सेशन। हाँ जी एक्सेशन का मतलब होता है कि किसी ओहदे पर किसी ओहदे पर किसी ओहदे पर बस ऐसे लगे कुछ किसी ओहदे पर, फॉर एग्जाम्पल जनाब कमिंग इन टू ऑफिस या आफ्टर हिज एक्सेशन उसको दफ्तर में या उस ओहदे पे पहुंचने के बाद ही इंट्रोड्यूस मैनी इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म कराए, ठीक है। जिस तरह मतलब है कि कोई बंदा किसी ओहदे पे पहुंचता है वो कहते हैं जनाब पहले इसमें काम नहीं हुए तो मैं जनाब ये करूंगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सेशन। जैसे इमरान खान ने जनाब वाला आपको पता है ना कि ग्रीन क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ठीक है, प्लांटेशन का 10 बिलियन ट्रीज का, तो वो जनाब वाला पहले तो किसी ने नहीं किया था ना, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सेशन। इसके बाद देखेंगे जनाब एक्सेसरी, ACCESS, ARY, एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है जनाब के आपका जनाब वाला मुआमिन या जुर्म, मुआमिन जुर्म मतलब एक वो बंदा जिसने आपकी जनाब हेल्प की है, किसके अंदर, वन हु हेल्प्स इन एनी एक्ट, एनी रॉन्ग एक्ट, असिस्ट इन क्राइम्स, ठीक है, जिस आपको जनाब वाला एक जनाब आपका दोस्त है उसने आपको जनाब वाला को उसके अंदर जो है मदद की है, मतलब है आप कोई भी गलत काम करें मदद की तो उसको हम क्या कहते हैं एसेसरी। इसके बाद हम लिखेंगे जनाब एसेसरी, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओ आर वाई, यह है ओ आर वाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनाब इजाफी, इजाफी मतलब क्या कि एडिशनल समथिंग एक्स्ट्रा या हेल्पफुल, द एक्सेसरी डिटेल ऑफ द गोल्फ वॉर आर अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब यह है कि अगर आप जनाब इसके बारे में या जनाब वाला फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जनाब आप चाहते हैं कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन करें, मैं कहता हूँ जी माई अबाउट माई इंट्रोडक्शन डिटेल इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, तो इसका मतलब है उसको कहते हैं इजाफी। नंबर फोर तो आपने लिखा है ना सेक, उसमें तो ज्यादा और इजाफी है, तो ये सिनोनिम में सर एक्सेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सेस है ना इसका मतलब है कि ये जनाब आपका जो है क्या पड़ा हुआ है, चाय का प्याला पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जनाब चाय आप डाल रहे हैं, चाय इतनी ज्यादा है कि यहां से जनाब चाय ऊपर से गिर रही है नीचे, इसको हम कहते हैं ज्यादा। स्टूडेंट के लिए जनाब कमरा बनाया हुआ है जहां कुर्सियां पड़ी हुई है 25, बच्चे जनाब बैठे हुए 30, इसको कहते हैं एक्सेस, ठीक है। ये तो जनाब मतलब है कि एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना, उसके बारे में इजाफा।
अच्छा जनाब आगे देखें, अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है जनाब अख्तियार करना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये जो एक्सेसरी है ये जिस तरह ये मोबाइल में जो ऑप्शन होते हैं वही है एक्सेसरी? हाँ बिल्कुल, एक्सेसरी वो होता है एक्सेसरीज, ठीक है। एक्सेसरीज जो होते हैं ना वो मतलब है समझ ले जो मोबाइल के एडिशनल जो मतलब है फंक्शन होते हैं या एडिशनल जो, जो मतलब इक्विपमेंट लगी होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। अडॉप्ट का मतलब होता है अख्तियार करना या अपनाना। किस तरह मतलब चूज एंड फॉलो एज थ्योरीज आइडियाज प्लेन्स, मतलब यह है कि जनाब वो बंदा जैसे जनाब वाला वो जो थ्री एस एस में टॉप किया ना तो वो जनाब ये बातें बता रहा था तो हमें भी यार वो वाली बातें माननी चाहिए और इस तरह करना फिर जाकर हम भी पहुंचे। इसलिए अडॉप्ट का मतलब किसी और बंदों को फॉलो अप करना। इसके बाद है जनाब अडेप्ट। अडेप्ट अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब होता है महिर, महिर होना। महिर जनाब वाला फलां बंदा जनाब मैथ्स में महिर है, फलां बंदा एक्सपर्ट इन समथिंग मतलब किसी भी चीज में महिर हो सकता है। एक बंदा सिंगिंग में महिर है, एक बंदा जनाब जनाब वाला वो क्या कहते हैं गालियां देने में महिर है, एक बंदा क्रिकेट खेलने में महिर है, एक बंदा पढ़ाने में महिर है, अडेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है जनाब ढाल लेना, ढाल ढाल लेना। मतलब यह है कि जनाब मेक सूटेबल फॉर न्यू यूज या इन कन्फर्म, यानी वी मस्ट अडेप्ट द बैड इकोनॉमिक कंडीशन, यानी किसी चीज को बेहतर बनाना। समझ आगे बात की? ढाल लेने का मतलब है या बल्कि आप ये भी लिख लें बेहतर बनाना। देखें जी आपने इम्तिहान दिया और आपने जनाब इम्तिहान देने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि जनाब मेरा पेपर जो फेल हुआ है वो मेरी अपनी कुताही की वजह से फेल हुआ है, ठीक है, क्योंकि जनाब मैंने फलां एरिया भी नहीं पढ़ा, फलां एरिया भी नहीं पढ़ा, मैंने बस किताब लेकर आया था घर रख ली उसके बाद पढ़ाई किया। तो आप अंदर अंदर से दोस्त को तो ये कह रहे होते हैं कि जनाब सर वो मेरे साथ बड़ी व्याप्ती पता नहीं क्यों फेल कर दी है, तो लेकिन अंदर अंदर से आप पता होता है कि जनाब मेरी अपनी गलती, ठीक है। इसके बाद लेकिन जनाब जी ये अडॉप्ट जो नीचे वाले दोनों अडॉप्ट हैं स्पेलिंग सेम ही है? नहीं नहीं ये ADOPT है, ये ADAPT है, ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जनाब जी क्या कह रहे हैं? ठीक है सर समझ आ गई। एडमिटेंस, एडमिटेंस का मतलब बता दाखिल होने का हक, दाखिल होने का हक। अच्छा जनाब राइट टू इंटर या राइट टू एडमिशन, द सर्जरी वाज मेड इन सेकेंड एडमिटेंस टू द क्लिनिक, मतलब यह कि जनाब अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि वो आपको इनकार करें या आपको एडमिशन न दें, मतलब आप मेरिट पे नहीं आते वो एक अलग बात है, लेकिन ये वो इनकार तो नहीं कर सकते ना कि आप कुछ भी न दें। या जनाब वाला PPSC में आप अप्लाई करते हैं तो PPSC वाले ने आपको ये तो नहीं कहा कि जनाब पिछली बार आप फेल हो गए तो इस बार अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये आपका राइट है, आगे आपका काम होना या न होना मेरिट पे आना वो गलत बात है। एडमिटेंस का मतलब होता है किसी चीज के अंदर इंटर होने का हक। इसके बाद लिखेंगे जनाब इसी के साथ एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है दाखिल होना, दाखिल होना, दाखिल होना। इसका मतलब है कि राइट टू इंटर या एडमिशन इज टू बी टिकट, मतलब यह है कि जनाब यहां पर आपका जो हक था किसी ने खाया लेकिन हक खा कोई नहीं सकता, आप वापस आ गए, आपको जनाब वाला नौकरी से जो है एक बार निकाल दिया गया लेकिन फिर आप अदालत में जाकर दोबारा वापस आ गए, ठीक है, वापस दोबारा अपने आप इसमें आ गए। और इसके अंदर है एडमिशन का मतलब दाखिल हो जाना, एडमिशन लेना सिंपल, जाके किसी चीज के अंदर एडमिशन ले लेना, कोई टिकट ले लेना, किसी काले में पहुंच जाना, तो ये सिंपल सी बात है। ओके जनाब क्लियर होगी बात। आगे जनाब हम पढ़ते हैं, हमारे पास हमने कल जनाब याद, आज हमने ना रूल तकरीबन पढ़ने हैं, याद रखिएगा उन टोटल रूल हमने 15 पढ़ने हैं आज, आज रूल नंबर 5 पढ़ेगा,
क्योंकि आज मैंने थोड़े से ज्यादा इजी वे से बनाया। हाँ स्क्रीन शॉट भेजे अच्छा जनाब, तहसीलदार भी कह सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं, नायब तहसीलदार भी कह दें, और भी बहुत से इम्तिहान है पीपीएससी। अच्छा जनाब, रूल नंबर 5 में क्या होगा? अभी हमने जो मतलब ग्रामर का रूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नाउन और प्रोनाउन के लिए, और उसके अंदर हम ये देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के वर्ब के अंदर क्या क्या तब्दीली आ सकती है उसके बारे में हम पढ़। तो जनाब रूल नंबर 5 के तहत क्या है लिखें, मेजॉरिटी के साथ फेल वहद लगेगा। फेल का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ठीक है। मगर मेजॉरिटी आपके साथ जमा लगेगा, ठीक हो गया जनाब। नंबर 1, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान आर पुअर। हाँ जी, क्या बनेगा सही? इज मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, ठीक। एक और लिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन इज पुअर, मेजॉरिटी of the citizen is poor, क्या बनेगा? citizen or majority of the citizen or are poor। अब आपने दो चीजों का ख्याल रखना कि majority के साथ आप है या नहीं, बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब आप लिखेंगे, हाँ जी, किसी बंदे को जनाब इस रूल की समझ आई हो, रूल नंबर 6 के अंदर आप क्या लिखेंगे? न्यूज वेजेस और हेयर, HAIRS, हेयर, हेयर के साथ फेल यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वहद लगेगा, ठीक हो गया जनाब। दीज न्यूज आर ट्रू, क्या बनेगा? दीज न्यूज, सर जो आपने मेजॉरिटी वाले लिखा है ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इज पुअर, फिर नीचे वही है फिर आर पुअर। इसको पढ़ो आप, द न्यूज इज ट्रू। हाँ जी, अपना वरिषा आपको समझ आ गई बात की इसकी? मैंने ये कहा मेजोरिटी जस्ट होगा तो उसके साथ वैध लगेगा। सर आपने बोला कि मेजोरिटी ऑफ के साथ जमा लगेगा, तो सर नीचे मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन इज पुअर, ये गलत हुआ ना? तो ये दुरुस्त हुआ, मेजोरिटी ऑफ सिटीजन राइट, क्रॉस नजर नहीं आया था, ठीक हो गया।
अच्छा जी, ये जनाब हमारे पास हो गया दुरुस्त, क्योंकि जनाब न्यूज जो होती है ना उसके साथ हमने जस्ट सिंगल लगाना होता है, वैद लगाना होता है। उसके बाद देखें हेयर हेयर आर वाइट, हेयर हेयर आर उसके जनाब बाल सफेद है, ये गलत है जनाब, क्योंकि हेयर के साथ क्या लगेगा, यानी क्या क्या लगेगा, इज एयर इज हिज एयर इज वाइट। ओके सिंपल सिंपल है, आपने बस याद रखना ये गुलरेज अहमद, गुलरेज अहमद कौन है, क्लास के अंदर आया न्यू। अच्छा जी इसके बाद देखें जी, अच्छा वेजेज जो है, वेजेज जनाब इसके साथ भी सिंगल लगेगा, इसके साथ भी आपको एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं, इसका स्क्रीन शॉट भेजें, मैं आपको रूल नंबर 7 लिखवाता हूँ। हाँ जी किसी बंदे को जनाब यहाँ को समझ ना आई हो तो बता सकते अभी, एनी वन? नहीं सर हो गए क्लियर। इसमें सारी वेजेस का क्या मतलब है, वेजेस का मतलब होता है अर्निंग, मतलब ये उजरत नहीं होती डेली वेजर। जी जी सर जी जी ठीक, 7 नंबर पर पड़ा जाएगा। हाँ जी 7 नंबर पे है जनाब क्या, POLITICS, पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। वगैरह के मजामीन के मफहूम वगैरह मजामीन के मफहूम वगैरह के मजामीन मफहूम इस्तेमाल करेंगे होंगे तो क्या होगा भला, वर्ब उबलीग हेल्पिंग वर्ब यानी फेल, फेल वहद लगेगा, वहद लगेगा जनाब, मतलब यह कि जैसे इंग्लिश है केमिस्ट्री है फिजिक्स है बायो जो भी आ जाएगा ठीक है, तो आपने जनाब वाला कुछ लफ्ज ऐसे भी होते हैं मजामीन के अंदर जिसके आखिर में सब एफ इजाफा किया जाता है, अब इंग्लिश में तो इजाफा नहीं होता ना, लेकिन इन ये जो आपके पास स्टैटिस्टिक है या जनाब वाला पॉलिटिक्स है मैथमेटिक्स है इनके आखिर में एस का इजाफा होता है, यानी वो सब्जेक्ट जिसके आखिर में एस का इजाफा होगा, तो हम तो ये समझेंगे जनाब ये तो जम्मे है ज्यादा की बात कर रहे तो हम आर लगाएंगे, नहीं आर नहीं लगाना सिंगल लगाना, कैसे मतलब, स्टैटिस्टिक आर हर फेवरेट सब्जेक्ट, स्टैटिक्स जनाब जो है उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये गलत है क्योंकि स्टैटिस्टिक यहां पर एस के दफा किया स्टैटिस्टिक बन गया, तो लिहाजा हमने क्या लगाना है, हम इस रूल के मुताबिक चलेंगे, रूल ये कहता है कि जनाब जब एस का इजाफा होगा मजामीन के साथ तो आप एज लगाएं। हाँ जी इस बात की कुछ समझना ये जनाब, एनीवन? अच्छा जनाब इसी तरह मैं आपको बाकी पार्ट सुना देता हूँ कि मैथमेटिक्स आर नॉट टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ परीमेडिकल, परीमेडिकल स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता तो मैथमेटिक्स के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, मैथमेटिक्स इज नॉट टॉट टू द मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा इसके बाद है जनाब पॉलिटिक्स आर नॉट द गेम ऑफ कॉमन पीपल, सियासत जो है वो जनाब एक आम लोगों का खेल नहीं है ठीक है, तो इसके साथ हम आर की जगह क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, बाकी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ओके हो गया। अच्छा जी आगे देखें आर यू एल रूल नंबर 8, 8वां रूल क्या कहता है जनाब,
वर्क